we should demand the central government to remove the Indian armed forces. वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे। वाहन पर गोली चलाई गई, 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। सबको खबर है ये सब कौन करवाया, पर यहाँ कोई नहीं बयान देने वाले, क्योंकि देश की सरकार में है दडी पार, दडी पार, दडी पार। सच क्या है, सच क्या है? तब से आए नागालैंड में त्रकुन्यान है एक, अब स्पाल लागू हुआ 1958 में, फ्रेंड्स ऑफ नागा हिल्स बोल के ही कितनों की जान ले ली, कितनों को लेने वाली। हा, 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 1910 में हजारों को तड़पा के ही मार दिया, 100 से ज्यादा औरतों की सर खुलेआम लूटी, इज्जत घर स्कूल चर्चेस पूरा जला के राख कर दिया। 1994 मोकुजुंग नागालैंड में 4 सिविलियन को ही जिंदा जला दिया, 9 को तो ऐसे ही ऑन द स्पॉट थोड़ी, उसमें भी कितनों की बेटियों की साथ गिलोनी हरकत बलात्कार करके जिंदा लाश छोड़ दी। ये मैं नहीं कह रहा सारी फोर्स गलत है, पर जो गुनेगार है उनको क्यों नहीं देती सजा, तभी तो बदनाम है पूरा देश की जवान के नाम, देश की जवान के नाम। सबको खबर है ये सब कौन करवाया, पर यहाँ कोई नहीं बयान देने वाले, क्योंकि देश की सरकार में है दडी पार, दडी पार, दडी पार। और अब 2021 4 दिसंबर 14 सिविलियन को ही उग्रवादी देशद्रोही एनएनसीएम नाम लेके मार दिया, बाद में पता चला ये तो सिविलियन है। तब जाके दडी पार अमित शाह ने ऐसे कुछ बयान दिया कि ये गलत पहचान की वजह से उनको गोली चलानी पड़ी। क्या बचपन बचपन बेचाके पहले छानबीन कर लेती, तब जाके तेरी स्टेटमेंट दे देती, लेकिन नहीं इतने भी क्या चली तेरी, क्योंकि तेरे पास पावर है पूरा देश का, तभी तो ले रही मजा छोटे सी स्टेट का, छोटे सी नागालैंड को बुड्डू बना के तू दुबा देगा, इस कैश को भी कितना दुबाया चल। और एक वक्त था नागरिज्म मैन ने देश के लिए कुर्बानी दिया था, लेकिन आज देखो उन्हीं लोगों का ही गांव में मासूमों की जान ले रहा आतंकवादी का नाम से। राम नाम सत्य है, ना होता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पे लड़ाई नागालैंड में, नागालैंड में। अभी उनकी क्या गलती थी जो माँ बाप के लिए कमाने गए थी कोल माइल पे, दिन रात मेहनत करके आए अपने बेटे के लिए, आने वाले बीवी के लिए, आने वाले परिवार सबको खुशी दिलाने के लिए। क्रिसमस की टाइम था खुशियां मनाने के लिए, कमाया थोड़ा पैसे उसी से ही तूने तो ही उसमें भी मौत की नींद सुला दिया, उस गरीबी ने क्या बिगाड़ा था तेरा, तब जाके तुम लोगों ने ही उनको मौत की नींद सुला दिया। किसको क्या पता है कैसे रो रही है परिवार, देखो इंतजार पे सो रही है, सो रही है। आंसू की समुंदर बह रही ओ दिन विलेज पे, आज देखो वही परिवार इंतजार पे ही सो रहा, देखो हाँ 5 लाख की ऑफर करी तूने सरकारी नौकरी एक घर पे, किसको क्या पता। Rest in peace to all the brothers who lost their life in Oting Village. I love you all.